बहुत खुशी की बात यह है कि हम जो पिछले 3 साल से ज्यादा अरसे से एक नया रिकॉर्ड कायम करके चल रहे हैं कि लैंड ऑर्डर की हैंडलिंग में किसी भी सिविलियन की किलिंग ना हो, वो रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। पिछले 3 साल से 18 में 2 ऐसे लोग थे जो लैंड ऑर्डर के दौरान मारे गए थे, 19, 20, 21 में ये फिगर 0 चल रही है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको 0 रखें, क्योंकि लोगों का तावन, लोगों का सहयोग हमारे साथ है, लोग समझबूझ से काम लेते हैं और उकसाए जाने पर भी किसी की उकसाहट में नहीं आते हैं। ये एक अच्छा चलन है, इसको जारी रखा जाएगा। ड्रग्स का एक नया खेल जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ है, मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान पंजाब को ये तोहफा पहले दे चुका है। जब वहां दहशतगर्दी खत्म हो रही थी तो ड्रग्स भेजी गई। ड्रग्स के 2 फायदे पाकिस्तान की नज़र में होते हैं, एक तो नस्लों को खोखला करें, ख़त्म करें उसकी साजिश, ताकि बदला लें आप सब लोगों से जो उनकी साजिशों में, उनकी चालों में शामिल नहीं होते हैं, और उनके बच्चों को बर्बाद किया जाए। दूसरा ये कि नारकोटिक्स से जो पैसा आता है उसी पैसे से मिलिटेंसी को चलाया जाए। करोड़ों की तादाद में हम लोगों ने ऐसा कैश पकड़ा है इस साल के अंदर जो जा तो दहशतगर्द को सीधा पाकिस्तान की तरफ से नारकोटिक्स की सेल के जरिए से पहुंचाया जाना था, या फिर लौट करके पाकिस्तान में जाना था, ताकि आने वाले दहशतगर्द जो सरहद पार से आते हैं उनको इंडियन करेंसी के तोहफे वहीं से दे के साथ में भेजा जाए। करोड़ों की तादाद में ऐसा कैश हमने इस बार पकड़ा है, बड़ी तादाद में, क्विंटल्स में इस बार मकदार है इसकी, जो अलग अलग तरह की ड्रग्स पकड़ी गई, जिसमें हीरोइन भी शामिल है, चर्स भी शामिल है, ब्राउन शुगर भी शामिल है, पॉपिस्ट्रा भंग खैर लोकली ये स्मगल होता है, कश्मीर से बाहर जाता है, मगर बाकी नारकोटिक सब्सटेंसेस जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं उनकी तादाद ही नहीं बढ़ी बल्कि हमारी कार्रवाई भी और तेज हुई। 1560 केस हम लोगों ने इस साल में दर्ज किए और 2410 लोग जो हैं इन केसेस के अंदर पकड़े गए, जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई NDPS के तहत की जा रही है। 10 केस नार्को टेरर नेक्सस वाले थे, जिसमें स्मगलिंग की हुई नारकोटिक्स का पैसा दहशतगर्दी के अंदर झोंका जाना था। 10 केसेस ऐसे भी रजिस्टर किए गए और 25 लोग जो नार्को टेरर के नेटवर्क्स में काम करते हैं वो पकड़े गए। क्राइम के हवाले से अगर देखें तो लगभग 30,000 केस इस साल अलग अलग रजिस्टर हुए, जिसमें लगभग बराबर ही फिगर है, 15,500 के करीब इसकी फिगर जम्मू में है और 14,500 के करीब इसकी फिगर कश्मीर में है। 30,000 के करीब टोटल जो आंकड़ा जो है वो रहा, मगर इसके साथ ही कोई 13,000 के करीब केसेस पुलिस की तरफ से डिस्पोज ऑफ किए गए, कोर्ट्स में पेश किए गए, जिनकी कार्रवाई अलग अलग स्टेजेस के ऊपर इस वक्त चल रही है। कोविड की वबा आप सब जानते हैं, सबको खौफ में, डर में इसने रखा और बहुत सारी जानें भी इससे जाया हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डट करके इस माहौल के अंदर लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए काम किया, अपनी परवाह न करते हुए भी अपनी जिम्मेवारियों को अंजाम देते रहे, जिसके चलते कोई 2,500 के करीब हमारे लोग संक्रमित हुए, इन्फेक्शन हुई कोविड की, और अनफॉर्चुनेटली साल के दौरान 12 लोग हमारे कोविड की वजह से अपनी जान खो गए। हमें उनके लिए दुख है और उन परिवारों के लिए हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, मगर अपने लोगों की सेहत अच्छी रहे, अपनी फोर्स की सेहत अच्छी रहे, हमने लगभग दोनों ही डोजेस 100% के करीब अपनी फोर्स के लिए अरेंज करी और सभी लोग इस वक्त वैक्सीनेटेड हैं। बावजूद इसके भी कभी ना कभी कोई ना कोई केस सामने आते हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से ये जो मदद रही कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है उनको सबसे पहले प्रोटेक्शन दी जाए, उसके चलते हम लोग अपने लोगों को बहुत अच्छे से ये फायदा दे पाए, इसके लिए मुझे खुशी है और मुझे सरकार को इसके लिए शुक्रिया भी कहना है कि पुलिस के जवानों को, पुलिस के लोगों को पहल दी गई जो इस जमन में काम कर रहे थे। दोस्तों, अलग अलग विंग्स पुलिस के बहुत नुमाया काम करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस एक बड़ा बेड़ा है, बड़ा परिवार है, इसमें हर तरह का विंग काम करता है। आर्मर्ड पुलिस ने भी बढ़ चढ़ के हर तरह की ड्यूटीज़ में हिस्सा लिया।
और बहुत कामयाब साल आर्मड पुलिस के लिहाज से भी रहा। बहुत अच्छे काम उन्होंने करे, ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लाइन ऑर्डर की तैयारी में हमेशा लगे रहते हैं और हमने उनको और मजबूत करने के लिए बहुत सारी इक्विपमेंट और बहुत सारी ट्रेनिंग्स का इंतजाम किया है। ट्रैफिक का विंग जिसके एडीजी साहब मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं नमग्याल साहब, बहुत अच्छा काम ट्रैफिक ने किया। बावजूद इसके कि व्हीकल पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, बावजूद इसके कि बेसब्री की भी हद हो गई है, बावजूद इसके कि लोग कम ट्रेनिंग के बावजूद भी गाड़ी के स्टेयरिंग पे बैठने से गुरेज नहीं करते हैं, काफ़ी एक्सीडेंट रहे। 2022 का आगाज होने जा रहा है, मैं आप सबको नए साल के लिए मुबारकबाद देता हूँ, गुड विशेस देता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और अपनी तरफ से, और दुआ करता हूँ कि आने वाला साल पिछले सालों के मुकाबले में और ज़्यादा पीसफुल हो और लोगों के लिए और बेहतर साल साबित हो। साथियों 2021 का हम लोग अगर लेखा जोखा करें तो एक और कामयाब साल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस ड्यूटी जम्मू एंड कश्मीर और हमारे लोगों के लिए रहा है। हमने कोशिश की कि हम पहले के मुकाबले में और बेहतर माहौल अपने लोगों को दे सकें और पीसफुल माहौल लोगों को दे सकें, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारी कोशिशें कामयाब हुई और बहुत हद तक सिक्योरिटी के सारे पैरामीटर जो हैं वो पहले सालों के मुकाबले में और ज़्यादा बेहतर हुए। आप लोग हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं कि जानने में कि टेररिज्म जो जम्मू कश्मीर के लिए एक बीमारी एक मर्ज की तरह पिछले 30 सालों से लगा है, उसका क्या सूरत हाल रही, साल के दौरान किस तरह का काम रहा। और मुझे ये खुशी है कहते हुए कि पिछली रात 100 कामयाब ऑपरेशन का टारगेट पूरा हुआ और 100 कामयाब ऑपरेशंस के अंदर 182 दहशतगर्द जो 182 जो अलग अलग तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं वो इसमें न्यूट्रलाइज हुए और एक बहुत बड़ा एरिया कश्मीर का और जम्मू का जो आतंक के साए में लंबे अरसे से चल रहा है उनमें मुझे लगता है कि लोगों को कुछ चैन की सांस लेने का मौका मिला। ये जो दहशतगर्द मारे गए इसमें 44 के करीब टॉप टेररिस्ट है, जब मैं टॉप कहता हूँ तो ए प्लस कैटेगरी जो तंजीमों को जिला डिवीजन या ड्यूटी के ओवरऑल हेड के माफक ऑपरेशनल कमांड देते हैं, उस तरह के दहशतगर्द 44 इसमें शामिल हैं। और इन 44 के अंदर भी अगर मैं फर्दर बताऊं तो लश्कर के 26 टॉप कमांडर, जैश के 10, हिजबुल मुजाहिदीन के 7 और अलबदर का 1। जो टेररिस्ट के रैंक में रिक्रूटमेंट होती है उसका क्या हाल रहा, ये साल उस लिहाज से भी बड़ा कामयाब साल था। कुल मिलाकर के 134 नए दहशतगर्द जो हैं, मैं कहूँगा नए जूथ जो रास्ते से भटके और टेररिस्ट के रैंक्स में शामिल हुए, मगर बड़ी कामयाबी की बात यह है कि 134 के अंदर साल के दौरान ही 72 जो हैं वो अलग अलग जगहों पर मारे गए, 22 लोग पकड़े गए और इन 134 के अंदर सिर्फ 40 लोग ऐसे बचे हैं और जो नए दहशतगर्द शामिल होते रहे उनकी शेल्फ लाइफ जो हुई वो इतनी कम हो गई कि कभी कभी 24 घंटे भी हो गई। आज ज्वाइन किया और 24 घंटे के अंदर सफाया हुआ, एक महीना भी रही और ज़्यादातर 3 से 4 महीने की शेल्फ लाइफ रही। 40 के करीब लोग एक्टिव हैं जो ताज़ा शामिल हुए हैं, हमारी उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे घरों को, हथियार रखेंगे दुश्मन के जो उनके हाथ में थमाए गए और फिर से अपनी ज़िंदगी अमन से शुरू कर सकते हैं। किसी अगर दहशतगर्दी की कार्रवाई में वो शामिल ना हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई नरम से नरम करने का भी सोचा जा सकता है।
जहां इतनी बड़ी तादाद में कामयाब ऑपरेशन हुए, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को फिर से वापस लौटने का, जिंदा वापस लौटने का मौका भी दिया गया। 80 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा गया, 80 टेररिस्ट ऐसे हैं जिनको पकड़ा गया। केसेस ऑफ कोर्स उनके खिलाफ चलेंगे, मगर उनकी जान जो है इन एनकाउंटर्स के दौरान जो लोग हथियार थामे रखते हैं और आखिर तक अपना काम करते हैं वो मारे जाते हैं, उससे उनकी जान बची। इसी तरीके से जो दहशतगर्दी की पूरी सांसें जिसकी बुनियाद पे चलती है, OGW जिसको कहते हैं, OGW जो हर रंग में पाया जाता है, सफ़ेद, काला, नीला, हरा, पीला, वाइट कॉलर, किसी भी धूप में, किसी भी उम्र में पाया जाता है, 14 साल से लेकर के 80 साल की उम्र तक का, किसी भी सेक्स में पाया जाता है, मर्द भी हो सकता है, औरत भी, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं, अनपढ़ भी हो सकता है और इंटेलेक्चुअल भी, रनर भी और गनर भी हो सकता है, फीडर भी है और फॉर्डर भी है, हर तरह की परिभाषा उसकी कम पड़ती है, और वो लोकल भी है और ग्लोबल भी है। कश्मीर के अंदर भी बैठा है, पाकिस्तान के अंदर भी है, तुर्की में, सऊदी में भी है, और इंग्लैंड और जर्मनी में भी है। हमारी कोशिश है कि हम लोकल को भी डील करें और ग्लोबल को भी डील करें। वो हम लोगों ने कानून के दायरे में लाया है, बहुत सारे हमारे निशाने पे हैं, उनको आने वाले वक्त में कानून के दायरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ लोगों के हक में काम करते हुए, अमन के लिए काम करते हुए शहीद हुए, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। इसके साथ साथ 23 और जवान जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, उनकी शहादत हुई, हम सब उनको भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। मगर ये बता दूं कि 20 और 23 का आंकड़ा अगर गिनती के हिसाब से लें तो ये गिनती पहले के मुकाबले में काफ़ी कम हुई है। ये एक अच्छी बात है, जहां ऑपरेशनल कामयाबियां बहुत बड़ी हैं, हमारे लोगों का नुकसान जो है कम हुआ है। और एक और बता दूं कि चंद रोज पहले जो हमारी पुलिस की बस के ऊपर अटैक हुआ था पंथा चौक जैवन की रोड पे, पिछले 36 घंटे के अंदर 9 दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद के मारे गए हैं, और उन सब लोगों का सफाया हो चुका है जो इस अटैक में शामिल थे। मैं ये भी बता दूं कि जितनी भी सिविलियन किलिंग्स इस साल के दौरान हुई, जितनी भी SF किलिंग इस साल के दौरान हुई, उसमें शायद ही कोई दहशतगर्द लोकल या पाकिस्तानी किसी भी आउटफिट से जो संबंध रखता है वो जिंदा बचा हो। सबका सफाया हो चुका है, और मुझे सिर्फ 2 लोगों के नाम अभी भी मेरे ख्याल में हैं जो अभी बचे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, अमन के दुश्मन, लोगों के दुश्मन, अवाम के दुश्मन जो दहशतगर्द हैं, उनका सफाया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वो 2 हमारी रडार पे हैं, बहुत जल्द उनको भी ख़त्म किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई साथ साथ, जैसे मैंने कहा, बड़ी तादाद में PSA उन लोगों के खिलाफ लगे, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेंशंस हुई, जो देखने को भले सादे लगते हैं मगर करतूतों के लिहाज से बहुत काले हैं, उनका भी हिसाब साथ में हुआ। काफ़ी बड़ी तादाद में UAPA के तहत केस रजिस्टर किए गए, 497 तादाद है केसेस की, जो ऐसे लोगों को डील करने के लिए जो मिलिटेंसी में ना सिर्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बल्कि इनडायरेक्टली मिलिटेंसी को, दहशतगर्दी को जिंदा रखने में, चलाने में अलग अलग तरह की हरकतें करते हैं। दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए जो गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, बड़ी तादाद में गाड़ियां UAPA के केसेस में सीज कर ली गई, जिसके ऑर्डर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से दिए गए। दुकानें, मकान, ज़मीनें भी सीज करी गई जिनका इस्तेमाल दहशतगर्दों के लिए होता है। साल के दौरान मारे गए, और ये वो टॉप कमांडर हैं जो लोगों की जान माल के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, लोगों की रोज की जिंदगी को कैसे डिस्टर्ब करना है, पाकिस्तान के शहरों पे मौत का नंगा नाच यहाँ पर कैसे रचाना है, उसकी साजिशें बनाने में शामिल रहते हैं, और लोगों को हर तरह का वो नुकसान करने के लिए और उनके अंदर डर और खौफ की फीलिंग पैदा करने के लिए हर वो कार्रवाई करते हैं जिसमें जहाँ पर लगे कि माहौल शांत नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। ये 44
टॉप कमांडर और 182 दहशतगर्दों के सफाई के साथ मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि पहली बार पिछले बहुत सालों में सबसे कम दहशतगर्द जो इस वक्त एक्टिव हैं उनकी गिनती बची है। बड़े लंबे अरसे के बाद ये फिगर इतनी नीचे आई है। जहां हिंटरलैंड में अलग अलग जगहों पे कामयाब ऑपरेशन हुए, वहां हमारी बॉर्डर की ग्रिड जिसमें आर्मी पुलिस बीएसएफ सब लोग शामिल हैं उस फ्रंट के ऊपर भी बड़ा कामयाब साल रहा। और बड़े लंबे अरसे के बाद इन्फिल्ट्रेशन का मेयार इन्फिल्ट्रेशन का लेवल भी बहुत कम रहा। पूरे साल के अंदर सिर्फ 34 इस तरह के दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करके इस पार आ पाए, जिनमें से काफ़ी लोगों का सफाया 182 के अंदर हो चुका है और बाकी की तलाश जारी है। और लाइन ऑर्डर के फ्रंट के ऊपर अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये फिर नहायत ही कामयाब तरीके का एक साल रहा है। स्टोन पेल्टिंग जिसको धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, एजिटेशन जिसको धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, बंद काल जो लोगों को चलते हुए काम को रोकने का काम करती थी, लोगों के कारोबार बिजनेस बच्चों की पढ़ाई हर तरह की चीज़ को मुतासर करती थी, लगभग ना के बराबर हो गई है। और लैंड ऑर्डर तो 60-70% तक इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा हो गई है। चंद ऐसे इंसिडेंट हुए जहां बहुत ही लोकलाइज्ड लेवल के ऊपर बड़ी कम तादाद में लोग निकले, मगर कार्रवाई बहुत इफेक्टिव पुलिस की तरह प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें बहुत सारे लोग जो स्टोन पेल्टिंग में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करी गई और जो बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको समझाने की कोशिश भी की गई कि ये रास्ता अभी तक किसी को रास नहीं आया है, नुकसान होता है, आप भी इस रास्ते से बच के रहिए।